मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, चार बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता तत्संग। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। जब जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़े पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके एक बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र हरा मुंह शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर दे। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र 1 दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जिससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया जाता है। कभी ऐसा योग लगे आपके जीवन में कि आप जिस व्यापार को अपने करा उस व्यापार में आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर देखा उसमें फल नहीं मिला, फिर आपने वापिस व्यापार को बदलने का विचार किया, तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर देखो। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ा कर देखिएगा, अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकग्रित करते हैं और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता मारा, वो व्यापार का धन वापिस नहीं आता, तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है तो मैं क्या वर्णन करूं उसको, क्या उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया आ नहीं रहा है तो प्रयास करना 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख अनुभव करा दे। बहुत ध्यान लगाइए, पहला अशोक सुंदरी की जगह, अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन, रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिएगा, ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में
अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है, अपने अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वह। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है मरत, ये बेलपत्र की जो डंडी है इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा मरत। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे, जया विषहरा सामरीबारी दौतली देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर पांचों कन्याओं का नाम लेकर जया विषहरा सामलीबारी दौतली देव, इनका स्मरण कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये दो जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो, या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये तीन रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार 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 बंद हो रहा है शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। शिव तत्व को जा, आप स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। कोई कैसे कह दे तुमको कि तुम अभागे हो? ना ना, हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का। तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है। संभेश्वर महादेव का नाम, सात कनेर के पुष्प, कितने? सात कनेर मान लूंगा। ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में भी पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है, कनेर के सात फूल, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो सात कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना, दो तीन प्रदोष कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तो वहां से उठ जाओ, उसके बाद में देव अधिदेव महादेव के पास सात कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर सातों फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री पांच बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री तीन प्रदोष, चार प्रदोष, पांच प्रदोष, दो प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ाना।
चालू करो प्रदोष प्रदोष चढ़ाना, और जब प्रदोष प्रदोष चढ़ाओगे तो अगस्त के महीने की जो प्रदोष आएगी 17 अगस्त को, तब तुम सीओर कावड़ भरने के लिए आओगे सरी, तब एक प्रदोष पे यहां पे भी चढ़ा ले, चढ़ाओ सीओर कंकर का भजन। यहां नहीं चढ़ा सकते, अपने घर पर चढ़ाओ, अपने शिवालय में चढ़ाओ, अपने देवालय में चढ़ाओ, अपने नजदीक में जो शंकर मंदिर वहां चढ़ाओ, आराधना शिव की। कोई कह दे तुमसे कि ये ठीक नहीं, प्रथम आप ये जो कनेर के फूल चढ़ाओगे ना, इसमें श्रम्भेश्वर महादेव का भाव होना चाहिए, श्रम्भेश्वर महादेव। फिर से एक बार बोलो, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर। और फिर एक निवेदन, मान लो कि डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, सात पुष्प कोई से भी, सात बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक एक कर बेलपत्र, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए, और एक बेलपत्र उसमें से एक पुष्प लेकर अपने घर जाइए, और 15 दिन के बाद वापिस उस बच्चे की सोनोग्राफी जांच डॉक्टर के कहने से कराइए, बाबा उस बच्चे की धड़कन श्वास और शरीर पूरा देगा। श्रम्भेश्वर महादेव में, श्रम्भेश्वर महादेव का जब नाम लिया जाता है तो 33 कोटि देवी देवताओं का एक साथ नाम उच्चारण हो जाता है, 33 कोटि श्रम्भेश्वर। बोल श्रम्भेश्वर महादेव की, श्रम्भेश्वर भगवान का स्मरण किया है। आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर आनंदमय स्वरूप का, जब भगवान देवदिदे महादेव आनंद में विराजमान थे, देवताओं राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, मंथन में विष निकला, जो देवदिद शिव जी ने विष को धारण करा, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, उसको बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है, घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, उसको सहना पड़े, सहने की आदत होना भी चाहिए। सब जैसे तुम्हारे घर में बिजली है, अरे बोलो तो जम के, लाइट लाइट बिजली है, प्रत्येक घर में बिजली होती है, तो क्या प्रत्येक घर बिजली घर बन जाता है? जम के बोलो जरा, बिजली घर तो एक दो कहीं कहीं, बड़ा शहर है तो थोड़े ज्यादा हो सकते, छोटा शहर है छोटा गांव है तो बिजली घर एक दो, प्रत्येक घर में बिजली होती है, पर सारे घर बिजली घर नहीं कहलाते, बिजली घर नहीं बन जाते, बिजली घर तो कोई कोई सा घर होता है। उसी तरह ढेर सारे तुम्हें कथा करने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हें ज्ञान देने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हारे पास में, तुम्हें मोबाइल खोलोगे टीवी खोलोगे तो ढेर सारे महाराज मिलेंगे, पर सब देवदिदे महादेव के भक्त नहीं मिल जाते, बड़ा कठिन होता, बहुत कठिन। प्रत्येक घर बिजली घर नहीं होता, उसी तरह घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शंकर का भक्त नहीं होता, उस घर में रहने वाले 10 लोगों में, 15 लोगों में, 20 लोगों में, 25 लोगों में, 5 लोगों में, 10 लोगों में कोई एक दो ऐसे होते हैं, कोई एक आध दो ऐसे होते हैं जो शंकर की भक्ति में डूबे होते हैं, शिव के स्मरण में डूबे होते हैं। घर वालों को मन लगता है, घर वालों को लगता है कि काम पर काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, खूब अच्छे काम हो रहे हैं, पूरे खानदान में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं इसकी कृपा हो गई, उसकी कृपा हो गई, ना, जो रोज तुम्हारे घर में से कोई एक व्यक्ति शंकर को जल चढ़ाने जा रहा है, ये उसकी कृपा है, जो तेरे घर में आज सब कुछ आनंद होता चले जा रहा है, ये उसकी कृपा है। अंत बिंदु मेरा शिव है। चंचुला देवी हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु कृपा कर। भगवान शिव विष पीकर
नीलकंठधारी बन जाते हैं। अमृत पीने वाले देव कहलाए और विष पीने वाला देव अधिदेव महादेव कहलाए। महादेव थोड़ा दुख आए तो चिंता न करना, बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा। थोड़ा कष्ट आए तो चिंता मत करना, बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा। जल्दी से काम नहीं निपटे, बहुत मेहनत करना पड़ रही है। हम 3 बार 4 बार कुबेरेश्वर धाम आ गए, 5 बार आ गए, बाबा कब सुनेगा? चिंता मत करना, फाइल थोड़ी मोटी है पर थोड़ा समय लगाएगा, करेगा। किसी को खाली नहीं भेजता तो तुम्हें कैसे भेज दे? किसी को नहीं भेजा उसने खाली। ये इतने इतने एक बहन ने तो पूरी डॉक्टरों की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फाइल लगाई, 7 डॉक्टरों की फाइल लगाई है। और सब डॉक्टरों ने कह दिया था कि तेरे घर संतान नहीं होगी, सुख नहीं। फिर भी शिव ने 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल नहीं 4 साल नहीं 5 साल बाद दिया। देता जरूर है, थोड़ा समय लग सकता है। विष पीने के बाद भी बाबा का नाम नीलकंठधारी हो गया, त्रिपुंडधारी हो गया, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। क्या नहीं देता। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर, ओगड़दानी का चरित्र, बाबा के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराया, वर्णन किया। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तो उनको श्री शैलम पर जाकर मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। जब अपने नजदीक में अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हुआ करे तो 7 दिन नहीं तो 6ठे दिन 7वें दिन 1 दिन जाकर बाबा की उस धारा को प्रणाम जरूर कर। प्रयास मल्लिकार्जुन के रूप में पूजाए। तीसरा महाकाल जी का वर्णन किया, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकालेश्वर बन गए। फिर वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर जी का, बिंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है केदारनाथ नर नारायण के तप करने पर भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है श्री भीमा शंकर, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर भगवान शिव भीमा शंकर बन जाते हैं। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान काशी में विराजमान हो जाते हैं विश्वनाथ बनकर। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप में भगवान यहाँ विराजमान हो जाते हैं। वैद्यनाथ, रावण को शिवलिंग ले जाने नहीं दिया, बाबा भूमि पर ही रह गए तो वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया, नागेश्वर के रूप में विराजमान हो। रामेश्वरम, राम जी के कहने पर भगवान शिव रामेश्वरम के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी भूषमा के बेटे को भगवान ने जीवित करा है तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान। भगवान देवदिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव, 12 ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग का मतलब है जहां पर शंकर ज्योति के रूप में हमेशा विराजमान, हमेशा विराजमान। एक ज्योति के रूप में मेरा देवदिदे महादेव वहां पर विराजमान, और वो ही ज्योति। हम तो कई लोग कहते हैं कि आपके ये कुबेरेश्वर धाम के कंकर संकर में ऐसा क्या है, कुबेरेश्वर धाम में ऐसा क्या है। हम कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है, तो हम तो ये मानते हैं कि 12 एक ज्योतिर्लिंग में एक ज्योति होती है, पर कुबेरेश्वर धाम में 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति एक साथ होती है।
हम तो ये मानते हैं कि वहां 12 ज्योति एक साथ की धरा, तो आपको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी दुखमय, बड़ी कष्टमय, बहुत तकलीफ चल रही, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित कर, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिवजी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीप